अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। यहाँ पर सैरा स्टॉर्म आया हुआ है हमारे यूके में, तो बस अल्लाह ताला बचाए। आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए। देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, मुझे तो इस दरख्त से डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए कहीं हमारे फेंस के ऊपर। ये मेरे नेबर्स में है और ये वाला भी मेरे नेबर्स में है। बड़े बड़े दरख्त हैं इस तरफ और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। लास्ट ईयर एक दरख्त गिरा था तीसरे नेबर के घर से, मेरे घर में आके गिरा था और सारी फेंस टूट गई थी हमारी। और ये बड़े पुराने दरख्त हैं, ये देखें आप, इतने हैवी और बड़े दरख्त हैं, बहुत ही पुराने हैं। तो बस हम सुबह से यही दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ये छत पे आके ना गिरे कहीं। ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। और लंदन में तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम ठीक ठाक हैं, लेकिन लंदन से बाहर वाले इलाकों में हैवी फ्लड और स्टॉर्म की, यानी कि हैवी फ्लड और प्रॉब्लम हो रही है बाकी एरियाज़ में। तो मैं जा रही थी अपने बच्चों को लेने के लिए, वो ट्यूशन गए हुए थे, तो हमने कहा कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है तो चलो बच्चों को ले आते हैं, नहीं तो उन्होंने मना किया हुआ था ट्रैवल करना इस स्टॉर्म में। जी दोस्तों, तो देखें आप मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है। हम लोग जा रहे हैं सिर्फ बच्चों की खातर, बाहर निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ पर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो किस तरह का मौसम होता है और हम किस तरह इनको डील करते हैं। तो बहुत सख्त सर्दी हो गई है और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बहुत डर लग रहा है। Restricting free speech. Plus more on Storm Ciara, as well as updates on the coronavirus. Stay with us here on LBC. On your radio, on Global Player, and Play LBC. Leading Britain's conversation. This is LBC. From Global's newsroom at 1 o'clock, gales of up to 90. Nisbet is regional director of the rail delivery group. Pretty much every train operating company is affected in some way, and about half are saying do not travel. And those include Grand Central, Southern, Gatwick Express, Great Northern, Thameslink, Southeastern, LNER, TransPennine Express, Hull Trains and Northern. And the rest are only travel if necessary. An area of North Yorkshire is now under a severe flood warning, and Lancashire Fire and Rescue have declared a major incident. Several sporting fixtures have been called off because of the poor weather. Among those postponed are Manchester City's Premier League game at home to West Ham and England's meeting with Scotland in the Women's Six Nations. It's also reported the glass canopy at the front of East Croydon railway station is shattered, but on the plus side, a BA flight from New York to Heathrow. Hello, जी दोस्तों, तो आपने देखा कि सैरा स्टॉर्म आया हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज अमान में रखें। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लंदन में और हम लोग भी बस बच्चों को लेना है, हम लोगों ने बच्चों की वजह से जा रहे हैं, हमने सोचा बच्चों को जा कर ले आए। यूजुअली वो ट्रांसपोर्ट बस पे आते हैं, तो आज मैंने कहा चलो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जा के तो बच्चों को पिकअप कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एक बंदे को फिर गाड़ी में बैठना पड़ता है तो दूसरा बंदा लेके आता है। तो ये देखें कितना बैड वेदर था, बहुत ही ज़्यादा। बस अभी हम पहुँचने वाले ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। Thank you.
जी दोस्तों, तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। मैंने वाटरप्रूफ कोट पहना हुआ था और ये देखें क्या हाल है लोगों का। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वो करके मैं गई हूँ। अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो 5-10 मिनट की वॉक भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे मौसम में चलना बहुत महाल हो जाता है। तो ये देखें, मैं यहाँ से रोड क्रॉस करूँगी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। हम पहुंच गए हैं बच्चों स्टेशन की तरफ। ऊपर आपको मैंने अम्ब्रेला भी नज़र आ रही होगी। अम्ब्रेला भी मेरी 2-3 दफ़ा बेचारी उड़ने वाली थी, वो ख़राब होते होते बची है। इतना हैवी स्टॉर्म था, बहुत ज़्यादा। बच्चों को हमने ले लिया है दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर वापस। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका से फ़्लाइट आ रही थी। तो ये देखें, ये दरख्त देखें, ये कितना हैवी है, कैसे हिल रहा है। यहाँ पर जो दरख्त होते हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये गिर जाते हैं, यानी कि रोड्स पे गिर जाते हैं। तो ऐसे मौसम में बहुत डर लगता है ट्रैवल करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि अमेरिका से फ़्लाइट जो है ना, वो 2 घंटे की लेट आने वाली थी, वो 2 घंटा अर्ली आ गई। वो अर्ली क्यों आ गई? क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी, उसने जहाज़ को इतनी जल्दी से पुश किया कि वो 2 घंटे पहले पहुंच गई लंदन में। तो ये अब न्यूज़ है, शायद आपको ना पता हो। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लूं। तो हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये आप दरख्त नोट कर रहे होंगे कि ये दरख्त कितने ज़्यादा हिल रहे हैं। और बाहर से इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं कि इतना डर लगता है। इतनी तेज़ बारिश के साथ साथ हवा चल रही है और ये रात तक रहेगा मौसम, शायद सुबह तक भी रहे। तो कल को देखते हैं क्या सिचुएशन है। और आप अपने कमेंट्स के साथ मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के जब मौसम इस तरह सा ख़राब होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, और आपके कंट्री में क्या इसका सलूशन होता है। तो हमारे तो यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया है कि आप लोग बाहर ना जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जाना हो तो बाहर जाएँ, लेकिन आप अपने घरों में ही रहें। आपने मैंने आपको रेडियो सुनाया था, इसमें वो BBC न्यूज़ पर बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई हो तो फिर ही जाना है, ट्रैवल करना है, अदरवाइज़ आप अपने घरों में स्टे करें, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इस तरह के घर हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह के घर होते हैं। अभी और भी ज़्यादा बहुत प्यारे प्यारे घर आएंगे आपके लेफ़्ट साइड पे, आप देखते रहिएगा। और उनकी वीडियो बनाया मैंने बनाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखा सकूं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं इस तरफ को। और ऊपर दरख्त भी देखिए आप, ये देखें कितनी ज़ोर से हिल रहे हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड पे देखें, ये कितने खूबसूरत घर हैं, ये मुझे बड़े पसंद हैं। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।
लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये कब्रिस्तान आ गया है। यहाँ पर इस तरह के कब्रिस्तान होते हैं, किसी टाइम पे मैं आपको सही तरह से भी दिखाऊंगी यहाँ के कब्रिस्तान। यहाँ पर चर्च होता है जहाँ पर ये इनकी सेरेमनी होती है, और साथ में कब्रिस्तान है। तो जैसे नॉर्मल हमारे लोग करते हैं, मॉस्क होती है, मॉस्क में ये लोग हम लोग जनाजा पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही ये चर्च में ये लोग अपनी सेरेमनी करते हैं, उसके बाद फिर ये ना दफना देते हैं लोगों को। किसी टाइम पे मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। और अभी हम बस घर पहुँचने ही वाले हैं, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसे ही और भी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। ये देखिए कितनी ज़ोर से हवाएं चल रही हैं। लेफ़्ट साइड, आपकी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि ये ना रोड को काम हो रहा है, तो ये इस तरह से ये कवर कर देते हैं। यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत है, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसको साइड पे कवर कर देते हैं हमेशा ये। तो यहाँ पर एक और चर्च आ रहा है साइड पे, ये भी काफ़ी पुराना चर्च है। तो दोस्तों हम नेली पहुँच चुके हैं अपने घर, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, चलती हूँ, नई वीडियो में मिलूँगी। इस एरिया में इस तरह के घर हैं, लेफ़्ट साइड पे जो है ना इस तरह के घर होते हैं। ये देखें, ये टोटली डिफरेंट स्टाइल आ गया है अब, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए वाइपर्स भी काफ़ी तेज़ हो गए हैं मेरी गाड़ी के। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह ये वाले घर भी बहुत प्यारे हैं, तीन तीन मंजिला घर हैं ये वाले ना।